जय हिंद बच्चों, आप सभी के लिए एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है जो कि आप लोग देख रहे हैं कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में लोगों का डाउट रहता है, मेरे भाइयों का डाउट रहता है कि आखिर यह क्वेश्चन बनेगा कैसे, और यह क्वेश्चन डाउट में आया था, ठीक है ना। यह मेरे व्हाट्सएप नंबर पर यह क्वेश्चन डाउट में आया था कि आखिर इस क्वेश्चन को बनाया जाए कैसे। तो कुछ स्टूडेंट बनाए भी थे, लेकिन वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट नहीं सीख पाए होंगे कि आखिर इतना से इतना आएगा कैसे, वह इसको सॉल्व किए होंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ दूर जाकर वो फंस गए होंगे, उनको इस क्वेश्चन का लॉजिक नहीं पता है कि आखिर बनेगा तो बनेगा कैसे। तो पूरा इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं, ज़रा ध्यानपूर्वक सीखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि x इंटू अंडर रूट में 1 प्लस वाई है, प्लस वाई इंटू रूट में क्या है 1 प्लस एक्स है, बराबर 0 है। तो बोला है कि डी वाई बटा में डी एक्स हमको इतना लाना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, ऐसा क्वेश्चन दो नंबर में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप मैथ में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतने ही आप कारगर, मतलब आप उतने ज़्यादा प्रोफिशियंट होंगे, उतने ही ज़्यादा आप अच्छे से मैथ बना पाएंगे। तो आखिर देखिए यह क्वेश्चन बनेगा कैसे। सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करना है ना, कि दोनों में से किसी एक को क्या करना है कि बराबर के उस साइड ले जाना है, ठीक है ना। कहाँ ले जाना है, बराबर के उस साइड। तो इतना करते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो बराबर के उस साइड बाबू ले कर जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, एक्स अंडर रूट में आपका बचेगा 1 प्लस वाई बराबर, ये प्लस में है देख रहे हैं ना, उधर जाएगा तो किस में होगा, माइनस में। तो माइनस वाई इंटू अंडर रूट में क्या होगा, 1 प्लस एक्स होगा, इतना होगा। इतना करने के बाद अब ज़रा ध्यान से समझिएगा क्या है कि जो आपका प्रूफ दैट है, ठीक है ना, जो आपको प्रूफ करना है, देख रहे हैं ना, डी वाई बटा में डी एक्स बराबर माइनस 1 बटा में इतना प्रूफ करना है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपका प्रूफ दैट पूरा एक्स के टर्म में है ना। कोई देखिए, समझिए कि हमको प्रूफ करना है तो कैसे करना है। हमको जो डी वाई बटा में डी एक्स का मान प्रूफ करना है वह पूरा का पूरा एक्स के टर्म में है, यानी हमारा वाई कहीं भी नहीं है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे ना कि इससे हम वाई का मान निकालेंगे, ठीक है ना। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको कोशिश करना है कि हम वहाँ से y का मान निकालें, तभी आपका बनेगा, ठीक है ना। वरना आप इसको u इंटू v पे तोड़ने का लाखों कोशिश कीजिएगा, इतना लंबा जाएगा कि आप खुद परेशान होकर क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। लेकिन इतना शॉर्ट में बनेगा कि आप इतना शॉर्ट में सोचे भी नहीं होंगे। देखिए कैसे बनेगा। इतना करने के बाद हम दोनों साइड इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायर करने पर, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि दोनों साइड वर्क करने पर, ठीक है ना। अब देखिए, हम इधर वर्क करेंगे तो क्या होगा बाबू लोग, इधर वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा एक्स का, ठीक है ना। आ इसका वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो आपका 1 प्लस वाई होगा बराबर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। और वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स होगा। यह तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इतना के बाद क्या करना है बाबू ना, कि ये गुना करना है, इसको इसमें गुना कर दीजिए और इसको इन दोनों में गुना कर दीजिए। देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर से 1 में कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, और जब एक्स स्क्वायर से वाई में कीजिएगा तो क्या होगा, आपका एक्स स्क्वायर वाई होगा। इतना क्लियर है। अब इससे इन दोनों में गुना करना है तो वाई स्क्वायर होगा, यहाँ आपका वाई स्क्वायर एक्स होगा ना। अब देखिए बाबू, अब यहाँ से क्या करना है, हमको वाई का मान निकालना है। तो वाई का मान निकले कैसे, लॉजिक समझिएगा। जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर देख रहे हैं ना, इसमें कुछ नहीं है, शुद्ध है। एक्स स्क्वायर भी शुद्ध है, इसमें कुछ गुना नहीं है, वाई स्क्वायर में भी कुछ गुना नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना कि इन दोनों को एक साइड करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों को एक साइड करेंगे, अब बाकी जो गुना में है, मिक्सिंग में है, इन दोनों को कहाँ करेंगे, एक साइड करेंगे। तो इसको हम इधर लाते हैं या इसको उधर लेके जाते हैं,
तो देखिए क्या होगा, यह इधर आएगा तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस का क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा, और यह आपका क्या है, वाई स्क्वायर एक्स है ई वाला, और जब ई वाला आपका उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई होगा होगा। अब इसके बाद बाबू लोग देखिएगा कि यह आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो बस यहाँ रख देना है तो आपका क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा, और यहाँ क्या होगा, एक्स माइनस का वाई होगा। अब देखना है कि इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए एगो वाई आ एगो एक्स मिल रहा है, ठीक है ना, आ इसी में भी एगो एक्स आ एगो वाई, मतलब हमारा एक्स वाई कॉमन ही मिलेगा इसमें, और कुछ हमारा कॉमन नहीं मिलेगा। तो एक्स वाई इसमें से कॉमन लीजिएगा तो एगो एक्स वाई तो कॉमन हो गया, आ इसमें से दो गो वाई है तो एगो आप कॉमन ले लिए, दो गो है ना, दो गो में से आप एगो कॉमन लेंगे तो कै गो बचेगा, एगो, आ इसमें देखिए इसमें से एक्स कै गो है, दो गो है, दो गो में से एगो कॉमन लीजिएगा तो कै गो एक्स बचेगा, एक एगो बचेगा, और वाई तो आप पूरा कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, वाई माइनस का एक्स बचेगा। तो अब हम क्या करते हैं ना कि इनमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या है कि हमारा एक्स माइनस वाई मिलेगा। देखिए क्या हम कहना चाहते हैं, यह आप लिखिए ज्यों का त्यों, एक्स प्लस वाई आप एक्स माइनस वाई ज्यों का त्यों आप लिखिए, इनमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस का एक्स वाई, और इनमें से आप माइनस बाबू कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस का जो एक्स वाई है ना ये प्लस का हो जाता है, आ ये जो प्लस का है ना ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए ई वाला कटेगा तो आपका क्या बचा, एक्स प्लस का वाई बराबर माइनस का एक्स वाई, यह बचा। अब इतना के बाद y का मान निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। अब क्या करना है ना कि इसको ला दीजिए इधर और इसको लेकर चल जाइए उधर, देखिए यह x है ना, इसको कहाँ ले जाना है, उधर, तो इसको हटा दीजिए, इधर y है तो y लिखिए, और ये वाला चीज़ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यह आपका एक्स वाई हो जाएगा, और यह उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का एक्स होगा। अब इन दोनों में से क्या कीजिए बाबू ना, y कॉमन ले लीजिए, तो आप इन दोनों में से y कॉमन लीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा, अब एगो वाई है, अब एक वाई है, ऊपर से आप वो कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, एक बचेगा, और इसमें तो एक ही है तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, तो क्या होगा, माइनस का एक्स बचा। तो आपका देखिए बाबू कि यहाँ से आपका वाई का मान क्या आ गया, माइनस का एक्स, अबाटा में आपका वन प्लस एक्स आ गया ना, y का मान कितना आ गया, वाई बराबर माइनस एक्स बाटा में वन प्लस एक्स, यहाँ देख लीजिए y का मान कितना आया है, माइनस का x बटा में वन प्लस एक्स। अब देखिए अब यहाँ से बहुत सारे मेरे भाई बहन निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो झंझट था वह यहीं तक था, यहाँ से y का मान निकालने में था कि y का मान उन लोगों से निकालने नहीं आता है, फंस जाते हैं। तो आपको देखिए कैसे निकालना है, सबसे पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आप बढ़िया से निकाल पाएंगे, और ज़्यादा आप लोग टेंशन से मैथ नहीं बनाइएगा, ठीक है ना, आराम से शांतिपूर्वक नहीं बनेगा ना, उसको छोड़ के अगला मनाइएगा, अब फिर दोबारा लौट के आइएगा, ठीक है ना, क्योंकि शेर जब दो कदम पीछे हटता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है ना कि अपना शिकार छोड़ के भाग गया है, जब दोबारा प्रहार करता है ना तो बचने का चांस ही नहीं रहता है, तो इसलिए जब नहीं बनता है ना तो पीछे हट जाइए, मतलब कोई दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए लेकिन फिर दोबारा लौट के आइए, और उस टाइम बन जाना चाहिए। अब यहाँ से बाबू इसका डीसी करना है तो आप यहाँ लिख लीजिएगा कि दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर, ठीक है ना, इसमें लिखेंगे हम नहीं, तो आप यहाँ से बाबू डी वाई बटा में डी एक्स कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, इसका डीसी कीजिएगा देखिए तो क्या होगा, माइनस को सबसे पहले बाहरी कर देते हैं, ठीक है ना, माइनस को बाहरी कर देते हैं तो एक्स का डीसी क्या होगा, वन, और यह कहाँ होगा, गुना में जाएगा, फिर क्या होता है, माइनस होता है ना, आ यह एक्स यहाँ गुना में होगा, आ इस वन का डीसी क्या होगा, जीरो, आ इस एक्स का डीसी क्या होगा, वन होगा, ठीक है ना, डायरेक्ट कर रहे हैं बाबू, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, आप लोगों को उतना आना चाहिए, यह हो गया। अब इतना होने के बाद देखिए बाबू क्या करना है, हम लोग समझते हैं
डी वाई बटा में डी एक्स माइनस, अब वन से इसमें गुना कीजिएगा, वन से इसमें गुना कीजिएगा तो क्या होगा, वन प्लस का एक्स, आई देखिए जीरो प्लस वन क्या होगा वन, और वन में एक्स ले गुना कीजिएगा माइनस का एक्स, यहाँ आपका वन प्लस एक्स का क्या है होल स्क्वायर है। अब माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया ना, तो आपका बाबू डी वाई बटा में डी एक्स का जो मान आया है ठीक है ना, वह आपका माइनस वन बटा में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे वन बचा है माइनस वन हो गया, आई ज्यों का त्यों, तो यह आपका बाबू प्रूफ हो गया ठीक है ना। बस हम इतना कहेंगे कि हम देखिए कहीं भी डायरेक्ट नहीं किए, बस यहाँ वाला डीसी डायरेक्ट किए हैं ठीक है ना, यू बटा भी में तोड़े हैं इसको कहाँ में तोड़े हैं, यू बटा में भी, मतलब एक्स का डीसी किए हैं तो वन, और भी को ज्यों कहते हो फिर माइनस होता है, और फिर क्या होता है यू बहरी जाता है, बहरी आ गया, और फिर इसका डीसी किए हैं तो वन का डीसी जीरो होता है या एक्स का डीसी वन होता है, और बस जो बाटा में होता है उसका स्क्वायर होता है, बस हम लिख दिए हैं। तो यह जो क्वेश्चन है ना बाबू, आप लोग बढ़िया से इसको 5 बार 6 बार बना लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे ठीक है ना। यह क्वेश्चन देखिए लॉजिकल इतना, मतलब इतना बढ़िया क्वेश्चन इसलिए कहा जाता है ना कि यहाँ से आपका वाई का मान निकालने के लिए मतलब कोई शातिर बंदा होना चाहिए ठीक है ना, जो प्रैक्टिस किया है ना वही यहाँ से वाई का मान निकाल सकता है। तो पूरा सलूशन आप लोगों के सामने है, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन बताइएगा, कहीं दिक्कत है तो वो भी बताइएगा, आपको मतलब कोई क्वेश्चन में डाउट है अदर क्वेश्चन में, डीसी इंटीग्रेशन इनवर्स मैट्रिक्स कोई भी अदर टॉपिक हो, यदि आपको डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसका फ़ोटो खींच के सेंड कीजिएगा, हम जरूर उसका सलूशन बताएंगे। तो मिलते हैं आप लोग किसी एक और न्यू वीडियो में जो कि आपका क्वेश्चन फंसा हो। जय हिंद, जय भारत।